सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आप जान गए होंगे कि इ की मात्रा वर्ण से पहले व ई की मात्रा वर्ण के बाद आती है। आइए आज हम ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। जीप, ईक, सीटी, चील, दीपक, कील, जीप, खीरा, हीरा, रानी, पानी, चीनी, हाथी, लीची, झील, मछली, तितली, बकरी, गीदड़, पपीता, खिड़की, लड़की, बिजली, दीवार, दीपावली। प्यारे बच्चों, क्या आप शरारत करते हैं? हाँ, शरारत करना बुरी बात नहीं है, परंतु उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं, मीरा और दीपा। एक लड़की थी मीरा। मीरा बड़ी शरारती थी, हरदम चहकती फिरती थी। मामा जी की भी एक बिटिया थी, नाम था दीपा। दीपा सीधी सादी थी। एक दिन मीरा और दीपा बाजार गई। दीपा ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद कर लाई। मीरा इमली खरीद कर लाई। तभी हवा चल पड़ी, बारिश आ गई, उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भागकर घर आ गई। मीरा छतरी छतरी कहती भागी और फिसल गई। सड़क पर कीचड़ थी। किसी तरह उठकर मीरा घर आई। आकर चारपाई पर पड़ गई। दीपा ककड़ी, खीरा और पपीता का सलाद बनाकर लाई। इमली की चटपटी चटनी भी बना लाई। मीरा झट उठ गई, मिलकर सलाद खाया, चटनी चाटी। मीरा फिर चल दी, चहकती मटकती। बच्चों, अब आप इस पाठ को दोहराएंगे। धन्यवाद।